बॉर्डर स्टेट होने के नाते जैसे अभी जयराम ठाकुर जी ने बोला है और एक नशों की जो बात है उन मुद्दों को किस तरह से जो है भाजपा इस चुनावों में उठाने जा रही है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस मामले में? आम आदमी पार्टी तो भ्रम फैलाने में माहिर है, जो वादे वो पंजाब की जनता से कर रहे हैं इन सारे वादों के बारे में दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं सवाल तो पूछना बनता है। अभी तो ये 10 करोड़ बरामद हुए, आगे बहुत कुछ इसमें से निकलने वाला है, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस भ्रष्टाचार की धुनी है। आप अपने गठबंधन का मुख्य मुकाबला किससे मांगते हैं? नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है, मैं हूं साजन शर्मा। हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा। उनसे हम जानते हैं कि पंजाब में कौन कौन से मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव में जा रहे हैं और संयुक्त गठबंधन किस प्रकार से जो है इस चुनाव में परफॉर्म करने जा रहा है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, हमारा जो गठबंधन है, पंजाब की जनता बड़ी आशा की नज़र से उनकी तरफ देख रही है। जिस प्रकार का माफिया राज पंजाब में खड़ा हुआ, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पंजाब में हुआ, जिस प्रकार की पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे सब मुद्दों के कारण जनता का मोह भंग कांग्रेस की सरकार से हुआ है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भयंकर आक्रोश इस समय है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लोग एक आशा और उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। बॉर्डर स्टेट होने के नाते जैसे अभी जयराम ठाकुर जी ने बोला है और एक नशों की जो बात है उन मुद्दों को किस तरह से जो है भाजपा इस चुनावों में उठाने जा रही है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस मामले में? देखिए, हमने लगातार इन इश्यूज को उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन करके जनता के बीच हम इन मुद्दों को लेके गए हैं, अब आगे भी और लेके जाएंगे। जो भी भ्रष्टाचार पिछले समय में सरकार ने किया है वो सारा इशू जनता के सामने रखे। आम आदमी पार्टी की जो प्रीवियस की हमने बात करी है कि उनका जो तरीका है काम करने का वो मुफ्त की ज्यादा बात करते हैं, तो आप किस तरीके से जो है इसको देखते हैं और अपना मेन मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो भ्रम फैलाने में माहिर है, जो वादे वो पंजाब की जनता से कर रहे हैं उन सारे वादों के बारे में दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं ये सवाल तो पूछना बनता है। पंजाब की जनता इन सब बातों को समझ रही है, वो इनके जाल में नहीं फंसेगी और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे पे ईडी रेड को लेकर जो मामला है, नित नई नई चीजें सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये जो है स्ट्रेटजी भाजपा ने अपनाई है और मतलब एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है ईडी को चुनावों में। एक कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, कांग्रेस को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि भैया ये जो पैसे आए 10 करोड़ रुपया चन्नी साहब के भांजे के घर, वो किसका पैसा है, वो कहां से आया? और जिस प्रकार ईडी की जांच में उन्होंने कबूला है, अभी तो ये 10 करोड़ बरामद हुआ है, आगे बहुत कुछ इसमें से निकलने वाला है, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और ये जनता का पैसा था जो लूटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले के ऊपर एक टिप्पणी करी है, इस मामले और इस साथ जुड़ते कुछ मामलों के ऊपर, कि जो इलेक्शन के समय है इस तरह की जो रेड्स होती हैं या इस तरह की जो कार्रवाई होती है, इस कार्रवाई से केंद्र सरकार को या सरकारों को बचना चाहिए। मैंने तो ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं पढ़ी है और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में कोई बात कह सकता है। जब भ्रष्टाचार होगा तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी, चुनाव हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने गठबंधन का मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं सर? मुझे लगता है कि इसमें मुकाबले में कोई है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो भ्रष्ट व्यवस्था से है और जो तीनों पार्टियां हैं वो इसका हिस्सा हैं और हम इनके खिलाफ लड़ेंगे भी और जीतेंगे। तो ये हमारे साथ थे सुभाष शर्मा, भाजपा के प्रदेश महासचिव। उनका कहना है कि उनका संयुक्त गठबंधन जो है भाजपा के नीति में गठबंधन है, वो बड़े अच्छा जो है विजय रथ लेकर जो है चुनाव में आ रहा है और वो विजयी होगा। साजिन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।